हो गया। नमस्कार, वापस से हम आ गए 100 डेज के नए वीडियो में। आज हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सातवाहन, वाकाटक और गुप्त इन तीनों डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3 के इस वीडियो, प्राचीन छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन आपको समझना है, क्वेश्चन के साथ साथ पढ़ते भी जाना है आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किरारी में स्थित सातवाहनकालीन काष्ठ स्तंभ लेख में कौन सी भाषा व लिपि का प्रयोग किया गया है। देखो, पहले के समय में ताम्रपत्र, शिलालेख या काष्ठ लेख, इन सारी चीज़ों में तमाम प्रकार के उस समय के जो भी घटनाएं होती थी उसे लेख में लिखा जाता था। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस लेख लिखा गया है किरारी स्थित काष्ठ स्तंभ में, वो कौन सी भाषा या कौन सी लिपि में है। सबसे पहले तो हम इस काष्ठ स्तंभ के बारे में पहले जान लेते हैं। ये जो काष्ठ स्तंभ है ये सातवाहन से रिलेटेड है। ठीक, और ये जो स्थान का जो बात कर रहे हैं किरारी, ये किरारी आपको मिलेगा जिला शक्ति में। छोटा छोटा चीज है, बस पढ़ते हुए जाना है, प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करना है आप लोग को अच्छे से। ठीक, ये जो किरारी जो जिला शक्ति में स्थित है और ये जो काष्ठ स्तंभ मिला है, ये कास्ट स्तंभ है सातवाहन से रिलेटेड। ठीक, अब इस कास्ट स्तंभ का और क्या क्या क्वालिटी है उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला तो इसमें जो उत्कीर्ण जो भाषा है, जो लेख है, वो किस भाषा और लिपि में है, तो वो है प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक, दूसरा चीज, इस लेख में, इस कास्ट स्तंभ में किनके बारे में हमको जानकारी मिलती है, क्योंकि लेख में जनरली हमको ज़्यादातर शासक और शासक के वंशजों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन इस कास्ट स्तंभ में सातवाहनकालीन से रिलेटेड शासकों के बारे में हमको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिलती है। ठीक, इसमें मिलते हैं सातवाहनकालीन अधिकारीगण के बारे में, ऑफिसर्स के बारे में। ठीक, ये समझ में आया इतना। किरारी स्थित स्तंभ लेख, कास्ट स्तंभ लेख, ये सातवाहनकालीन से रिलेटेड है, सातवाहन से रिलेटेड है, जिला शक्ति में स्थित है ये किरारी, और इस जो कास्ट स्तंभ है उसमें जो लेख है वो लेख है प्राकृत और ब्राह्मी में, ब्राह्मी लिपि में। ठीक, और इसमें किसी भी शासक के बारे में हमको जानकारी नहीं मिलती, इसमें मिलती है हमको अधिकारीगण के बारे में, जैसे इंजीनियर हो गया, महासेनापति हो गया, रथ चलाने वाले सारथी हो गए, इन सब के बारे में हमको जानकारी मिलती है इस कास्ट स्तंभ लेख से। वर्तमान समय में ये रायपुर में स्थित महंत घासीदास संग्रहालय में स्थित है। ठीक, संग्रहालय, इतना चीज आपको इस कास्ट स्तंभ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, लिस्ट करिए। निम्न में से किस स्थान पर सातवाहन शासक राजा अपिलक की मुद्रा प्राप्त हुई है? ये क्वेश्चन एक बार नहीं, कई बार पूछ चुका है। तो सातवाहन काल में केवल राजा अपिलक की नहीं, दो तीन और मुद्राएं हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। पहले हम ये जान लेते हैं कि किन किन जगहों पर सातवाहनकालीन सिक्के प्राप्त हुए। पहले हम जाएंगे जिला शक्ति। ठीक, शक्ति जिला में एक स्थान है बालपुर। ठीक, दूसरा हम जाएंगे बिलासपुर, बिलासपुर में एक जगह है मल्हार। इन दोनों जगहों पे, जिला शक्ति बालपुर, बिलासपुर में एक जगह है मल्हार, ठीक, इन दोनों जगहों पे राजा अपिलक की मुद्रा हमको मिलती है। ठीक है, और उसके अलावा और कौन कौन से जगह, और मतलब और मल्हार में और दो तीन शासक और हैं जिनके सिक्के हमको मिले हैं। एक शासक हुआ पुलुमावी ऐसा, एक और शासक होता है वेदश्री। ठीक, मल्हार में राजा अपिलक के अलावा इन दो शासकों के सिक्के और मिले हैं, एक सिक्के में वेदश्री जी का नाम भी लिखा हुआ है। तो अपिलक से रिलेटेड दो जगह, बिलासपुर और शक्ति, बिलासपुर में मल्हार तो शक्ति में बालपुर, इन दो जगह से हमको राजा अपिलक की मुद्रा मिली है। क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बालपुर, मल्हार नहीं दिया गया, तो आपको ऑप्शन बालपुर लेना है। ठीक, नेक्स्ट करिए। सातवाहन काल में अभियंता इंजीनियर का पदनाम था, ये पदनाम जो अभियंता या इंजीनियर का जो पदनाम है उसके बारे में
जो अधिकारीगण जो होते थे वो किरारी वाला जो कास्ट सिस्टम जो बताया, उन सब में इन अधिकारीगणों का नाम है, उसमें ये इंजीनियर्स का भी नाम है। उस समय इंजीनियर को बोला जाता था कुलपुत्रक, ठीक, इंजीनियर को बोला जाता था कुलपुत्रक। नेक्स्ट, किरारी ग्राम में स्थित सातवाहनकालीन कास्ट स्तंभ किनके नाम उल्लेखित है? शासकों के, अधिकारियों के, मंत्रिमंडल के या परगनों के? तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि उसमें वो जो कास्ट सिस्टम है रिलेटेड है सातवाहन से, परंतु उसमें शासकों का नाम नहीं है, है किसका नाम? तो अधिकारियों का, ठीक, शासकों का नाम नहीं है, अधिकारी गण का ही नाम है उसमें। सातवाहन गुंजी शिलालेख में किस शासक का नाम उल्लेखित है? गुंजी, पहले ये जान लीजिए गुंजी है कहाँ। गुंजी एक फेमस प्लेस है, ये आपको मिलेगा जिला सक्ति में। इसको हम ऋषभ तीर्थ या दमऊ देहरा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे जो शिलालेख मिला है उस शिलालेख के बारे में पहले दो चार बातें जान लेते हैं। ये जो शिलालेख है इसका जो भाषा है वो है प्राकृत भाषा, ठीक, प्राकृत भाषा। और इस शिलालेख में राजा वरदत्त श्री, या इसी को हम वेद श्री भी बोलते हैं, वरदत्त श्री, ये वेद श्री के बारे में हमको जानकारी मिलती है। इस शिलालेख में कुछ तो ऐसी बात लिखी होगी राजा वेद श्री के बारे में। पहली बात, इन्होंने लगभग 1000 गाय दान में दिए थे, 1000 गाय, ठीक, दान दिए थे। किस लिए दान दिए थे? तो अपने आयु बढ़ाने के लिए। आयु बढ़ाने हेतु 1000 गाय दान दिए थे, इस बारे में हमको जानकारी मिलती है गुंजी शिलालेख से। और वो राजा थे जो जिन्होंने ये 1000 गाय दान किया है दीर्घायु के लिए, वे राजा हैं वेद श्री या वरदत्त श्री, ठीक। वो जो शिलालेख है जिला शक्ति में है और उनकी जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है। नेक्स्ट, गुंजी स्थित 5 मंजिला सांघाराम बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए किन किन शासकों द्वारा निर्माण कराया गया था? सांघाराम क्या होता है समझिए, जब बौद्ध भिक्षु एक ऐसे स्थान पे जहाँ पे वो विश्राम किया करते थे उसी को हम बोलते थे सांघाराम, ठीक। तो ऐसी कुछ सांघाराम हमारे छत्तीसगढ़ में सातवाहनकालीन शासकों ने बनवाया था। वो भिक्षु का नाम था बौद्ध भिक्षु नागार्जुन, ठीक, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। गुंजी, दमऊ देहरा या जिला शक्ति। रोमकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रोमकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? जो सातवाहन काल में हो सकता होगा रोमन्स लोगों से हमारा ट्रेड रहा होगा, व्यापार रहा होगा, तो उस रोमकालीन स्वर्ण सिक्के हमको चकरबेड़ा से मिले हैं। चकरबेड़ा आपको ध्यान में रखना है जिला बिलासपुर से, जिला अक्सर पूछता है जी, जिला आपको ध्यान में रखना है। जीजीपीएससी आप हम कहा था जिला पूछेगा ही पूछेगा। रोमकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? चकरबेड़ा से, सातवाहन से संबंधित उस टाइम के सिक्के हैं। इससे पता चलता है कि सातवाहन काल के समय हमारे छत्तीसगढ़ से रोमन्स के साथ हमारा एक अच्छा खासा व्यापार हुआ करता था, ठीक। सातवाहन वंश का पतन होने के पश्चात दक्षिण भारत में किस वंश का उद्भव हुआ? जैसे मौर्य काल जब धीरे धीरे पतन की ओर में बढ़ा उस समय सातवाहन एम्पायर बढ़ने लगा, ठीक। फिर सातवाहन एम्पायर जब धीरे धीरे घटने लगा तो उस समय एक नए वंश का उद्भव हुआ, उस वंश का नाम है वकाटक वंश। अब इस वकाटक वंश के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में वकाटक वंश के संस्थापक प्रवर सेन प्रथम इसके पुत्र थे, ये चीज ध्यान में रखिए। छत्तीसगढ़ के संदर्भ से पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ में वकाटक वंश के संस्थापक कौन है? तो प्रवर सेन। अभी किसके पुत्र थे? ये थे विंध्य शक्ति के, ठीक, ये विंध्य शक्ति के पुत्र थे प्रवर सेन। और प्रवर सेन ही वो शासक है जो हमारे छत्तीसगढ़ के, या उस समय दक्षिण कोसल के नाम से जब हम जानते थे, तो उस क्षेत्र को ये विजित किया था, ठीक। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान किस वकाटक शासक को हराया था? इस चीज को आप समझिए, समुद्रगुप्त हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से हमको पता चलता है कि समुद्रगुप्त जब विश्व विजय के बारे में सोचता है तो एक अभियान चलाते हैं दक्षिण विजय अभियान, तो कुछ समय के लिए हमारे छत्तीसगढ़ या दक्षिण कोसल वाले क्षेत्र में भी आते हैं, है ना। और उस समय वकाटक वंश के जो शासक थे
वो थे महेंद्र सेन। इस महेंद्र सेन को रुद्र सेन प्रथम भी कहते हैं। यदि ऑप्शन में महेंद्र सेन नहीं है तो आपको रुद्र सेन प्रथम लगा के आना है, ठीक। समुद्रगुप्त ने वकाटक वंश के किस शासक को हराया था? तो वे थे महेंद्र सेन या रुद्र सेन। इतना चीज आपको पता होना चाहिए। समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान किस वकाटक शासक को हराया था? नलवंशी शासक को भी हराया था। वो हम आगे नलवंश में पढ़ेंगे। फिलहाल अब वकाटक वंश से लेके आप ये महेंद्र सेन को ध्यान में रखना। गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से किस शासक का विवाह हुआ था? तो उसका हुआ था रुद्रसेन द्वितीय का। रुद्रसेन द्वितीय का ही विवाह हुआ था प्रभावती से, ठीक। अब इनके एक बेटे होते हैं, इनके दो बेटे होते हैं, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। दिवाकर सेन बहुत अल्प आयु में इनके निधन हो जाता है। तो अगला शासक जो बनेगा वो बनेगा दामोदर सेन, और यही दामोदर सेन आगे चल के प्रवर सेन द्वितीय के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक। तो मूल नाम भी पूछ सकता है, प्रवर सेन द्वितीय का मूल नाम क्या है? तो आपको दामोदर सेन नहीं भूलना है, ठीक। दामोदर सेन इसका मूल नाम है, प्रवर सेन का। आगे हम जानेंगे प्रवर सेन अच्छा शासक था। इसके समय में एक कवि हमारे छत्तीसगढ़ का यात्रा करेगा, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक। नेक्स्ट करिए। सेतुबंध किसकी रचना है? जैसे मैं आपको पिछले पढ़ा रहा था प्रवर सेन के बारे में, प्रवर सेन द्वितीय के बारे में, वे साहित्य में भी इंटरेस्टेड थे, और जो सेतुबंध की जो रचना की है वो प्रवर सेन द्वितीय ने ही की है। अब देखिए होता यह है कि प्रभावती जो है, जब प्रवर सेन शासक नहीं बना होता उस समय प्रभावती एम्पायर को संभाल रही होती है, और अपने पिताजी चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य के अंडर में ये सारे एम्पायर को, राजपाट को संभाल रही होती है। तो कुछ टाइम के लिए कालिदास जी को विक्रमादित्य जी छत्तीसगढ़ में भेजते हैं कि आप जाइए और वहाँ के राजपाट को देखिए और वहाँ के जानकारी हमको दीजिए। तो कालिदास जी निकलते हैं और आते 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 वे पहुँच जाते हैं सरगुजा, ठीक। सरगुजा में एक प्रसिद्ध पहाड़ी है, रामगढ़ की पहाड़ी, और रामगढ़ की पहाड़ी में बैठ करके ये एक ग्रंथ की रचना करते हैं, उसका नाम है मेघदूतम, ठीक। कालिदास जी आते हैं छत्तीसगढ़ की, दक्षिण कोसल की यात्रा करते हैं और रामगढ़ की पहाड़ी पे बैठ करके ये एक ग्रंथ की रचना करते हैं, उस ग्रंथ का नाम है मेघदूतम। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कालिदास जी किसके शासनकाल में दक्षिण कोसल की यात्रा की थी? ये भी ध्यान में रखना। उस समय शासक था प्रवर सेन द्वितीय, ठीक। प्रवर सेन द्वितीय उस समय शासक थे। तो इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। इस और कालिदास जी ने एक बात कही थी कि रामगढ़ की पहाड़ी स्वर्ग का द्वार बताया था, रामगढ़ की पहाड़ी को। स्वर्ग का द्वार, ठीक। इतना चीज पढ़ना। ये सेतुबंध आपको नहीं भूलना है। सेतुबंध जो रचना है वो प्रवर सेन द्वितीय की रचना है। वकाटकों की राजधानी थी? वकाटकों की यदि आरंभिक राजधानी पूछे तो आंसर आपको लेना है पुरिका और बराक। आरंभिक राजधानी, ठीक। और सिर्फ राजधानी यदि पूछ रहे हैं तो आपको आंसर लेना है नंदीवर्धन नागपुर। ये चीज आपको पूछना है, आरंभिक राजधानी और राजधानी दोनों में कंफ्यूज करेगा आपको। आरंभिक राजधानी पूछेगा तो पुरी का बराक, और यदि केवल राजधानी पूछ रहे हैं तो आपको नंदीवर्धन नागपुर, ये आपको आंसर में लेना है, ठीक। नेक्स्ट करिए। समुद्रगुप्त के दक्षिण कोसल व महाकांतर विजय के पश्चात किस नीति के तहत अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया? समुद्रगुप्त जब दक्षिण विजय अभियान चलाया था उस टाइम उन्होंने जो नलवंशी शासक थे और वकाटक वंश के शासक थे उन्हें हराया था, और हारने के बाद इन्हें पुनः वापस इनके साम्राज्य लौटा दिए। तो एक नीति उन्होंने अपनाई थी, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति, ठीक। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत ये जो दक्षिण कोसल और महाकांतर के जो शासक थे उनको उनका साम्राज्य वापस दिया गया, और समुद्रगुप्त की जो अधीनता थी उसे ये लोग एक्सेप्ट किए थे। तो ये नीति पूछता है कि किस नीति के तहत इन्होंने दक्षिण कोसल और महाकांतर के शासकों को उनका साम्राज्य लौटाया था, तो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत। इतना आपको पता होना चाहिए।
निम्न में से किस स्थान पर समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य मिले हैं? थोड़ा समझाते इतिहास में, जब समुद्रगुप्त जी दक्षिण विजय अभियान के लिए निकले थे तो वे पहुंचे थे महासमुंद। ऐसा माना जाता है कि महासमुंद में महानदी के किनारे इन्होंने अपना डेरा लगाया था। ठीक, महानदी के किनारे समुद्रगुप्त का डेरा लगाने के कारण इस क्षेत्र का नाम महासमुंद पड़ा, ऐसा माना जाता है। और इसी महासमुंद में एक जगह है, जगह का नाम है कोपरा। ठीक, जगह का नाम है कोपरा। इस कोपरा में हमें रूपा देवी के साक्ष्य मिलते हैं जो समुद्रगुप्त जी के पत्नी होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। एक आगे करें, विक्रमादित्य का धनुर्धारी सिक्का निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? सिक्का, सिक्का ही एक एक माध्यम होता है पुराने टाइम के इतिहासों के बारे में जानने के लिए। सिक्का हो गया, ताम्रलेख हो गया, शिलालेख हो गया, ये सब पुराने साक्ष्य है जिसके माध्यम से हमको उस टाइम के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा कि विक्रमादित्य का धनुर्धारी सिक्का निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुए। ठीक, ये गुप्त वंश रिलेटेड है, तो हम देख लेते हैं कि किन किन जगहों पे गुप्त वंश का सिक्का मिला है। पहले हम चलेंगे दुर्ग और दूसरा आपका बलौदा बाजार। ठीक, उसके बाद आप सभी ने एक मूवी देखा होगा आर आर आर, है ना? इस चीज से आपको ये चीज पता होना चाहिए, रायगढ़, राजिम और रायपुर। रायगढ़, राजिम और रायपुर। ठीक, रायपुर में हम चले जाएंगे आरंग, तो वहीं रायगढ़ में चले जाएंगे खरसिया। इसी खरसिया में विक्रमादित्य का धनुर्धारी सिक्का हमको प्राप्त हुआ है। ठीक, तो ये चीजें दुर्ग के बाना बरस से कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और कांचगुप्त, कांचगुप्त समुद्रगुप्त को ही है ऐसा माना जाता है। ठीक, दुर्ग के बाना बरस से तीन शासक, स्कंदगुप्त, कांचगुप्त और कुमारगुप्त, इन तीनों शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं कुमारगुप्त। ठीक, इतना चीज आपको पता करना है। निम्न में से छत्तीसगढ़ के प्रथम स्थानीय राजवंश कौन है? ये आप हमें कमेंट करके बताइए और कल उस राजवंश के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट करिए, किस शासक के दरबार में महाकवि कालिदास आए थे? ये मैं आपको पिछले बता चुका हूं, ये भी आप कमेंट करके बताइए कि निम्न में से कौन से शासक हैं जिसके दरबार पे महाकवि कालिदास जी आए थे। नेक्स्ट करिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी का तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तैयारी यदि अच्छी नहीं चल रही है तो फिर भी आप तैयारी अब स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कुछ टाइम के बाद पीएससी का नोटिफिकेशन आ जाएगा और टेस्ट आप जरूर दिलाइए। हर एक सब्जेक्ट का आप टेस्ट दिलाइए ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।